मैं आभारी हूँ कि मुझे ऐसे सब्सक्राइबर जो मिले। गाइज वेलकम टू मॉडर्न ढाका, वेलकम टू गुलशन। हाँ जी, तो यहाँ की जो ट्रेन है ना वो कुछ इस तरह से है, लोकल ट्रेन। तो ये जो रेक है ना ये पाकिस्तान रेलवे का है, एंड ये होता था एक आर्मर फ्रॉम द 19th सेंचुरी। तब लोगों ने बोला था कि ओल्ड ढाका जाके हाजी बिरयानी का जो बिरयानी है वो ट्राई करिए। तो उस लेजेंडरी दुकान के सामने हम आ गए हैं। थोड़ा सा जो अलग फ्लेवर है, मतलब प्लस यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। देवी और सज्जन नमस्कार, डिस्कवरिंग बांग्लादेश सीरीज़ के एपिसोड नंबर 14 में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, एंड इस वाले व्लॉग में हम थोड़ा सा ढाका एक्सप्लोर करेंगे। भी तो दो चेहरे ढाका के, एक है आपका ओल्ड ढाका जहाँ पे मतलब आप समझे क्राउडेड एरिया है, एंड एक जो एक्सप्लोर करेंगे वो है एकदम मॉडर्न ढाका जो कि गुलशन बोला जाता है। तो वो एरिया आप देख के मतलब चौंक जाएंगे कि हाँ ये बांग्लादेश तो मैंने कभी नहीं देखा था। और फिलहाल मैं आ चुका हूँ आसन मंजिल जादूगर में। ये बेसिकली एक जगह है जहाँ पे जो पहले नवाब्स की डायनेस्टी थी, तो उनका जो ऑफिस है या उनका जो कार्यालय है वो ये बिल्डिंग था। तो समझ जाए कि काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। एंड रिसेंटली मैं घूम रहा हूँ अपने कुछ सब्सक्राइबर के साथ, ये मामा है, एंड ये मामा मेरे एकदम मतलब फेवरेट जैसे बन चुके हैं। मतलब मैं आभारी हूँ कि मुझे ऐसे सब्सक्राइबर जो मिले, मामा मुझे मिले, फिर सुल्तान टाइन वगैरह लेके गए और ढाका के बारे में सब कुछ बताया, घुमाया, जो गाइडेंस चाहिए वो दिया। प्रोडक्टगुलर सामग्रीगुल सबगला बेसिकली रखा हुई से, तो समझ जाए कि बेसिकली ये आज के दिन एक म्यूजियम है, एक टूरिस्ट स्पॉट है। और यहाँ पे जो भी पुराने ज़माने के जो हथियार वगैरह होते थे या जो नवाब्स यूज़ करते थे वो सब रखा हुआ है, एंड आज हम वही चल के देखने वाले। साथ ही साथ हम ओल्ड ढाका का इसमें फूड टूर करने वाले हैं, एंड साथ ही साथ कुछ आसपास के जो और फेमस जगह है वो घूमने वाले हैं। एंड इन दी एंड ऑब्वियसली मैं आपको लेके जा रहा हूँ मॉडर्न ढाका में जो कि गुलशन है। मतलब वहाँ की सड़कें आप देखेंगे ना, वहाँ का जो माहौल है वो आप देखेंगे ना तो बोलेंगे नहीं ये तो बांग्लादेश हो ही नहीं सकता। इसका जो टिकट प्राइस है दैट इज़ 20 बांग्लादेशी टाका। एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो 19th सेंचुरी में यूज़ किए बॉटल है, फिर केरोसिन लैम्प है, फिर केटल है, एंड यहाँ पे जो है फ्लावर वास है, ये सब है। एंड ये जो है राइस डिश है, मतलब इसमें जो है चावल वगैरह परोसा जाता था। एंड हिज़ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान द फादर ऑफ बांग्लादेश। ये जो एक पोइट है, नेशनल पोइट काजी नजरुल इस्लाम। एंड ये तो हमारे टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाली में रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोलते हैं हम। एंड ये होता था एक आर्मर फ्रॉम द 19th सेंचुरी, जो सोल्जर होते थे वो ऐसा कुछ पहनते थे, तो फुली जो है प्रोटेक्टेड। और जब शुरुआत में ये महल जो बनाया गया था तब कुछ इस तरह सा था, अभी जो है रेनोवेशन वगैरह हुआ है, एंड ये कुछ इस तरह से हुआ, ये पेंटिंग है, ये कुछ यहाँ पे रखा हुआ है टी शर्ट्स वगैरह। एंड ये सारी जो है ये सारी 19th सेंचुरी की है, मतलब लगभग 130 साल पुरानी। ये जो लास्ट मैंने दिखाया था ये था इनका डाइनिंग रूम, एंड कितना ज़्यादा बड़ा है, मतलब आज के टाइम पे अच्छे से अच्छा फाइन डाइनिंग जो इसको फेल कर देगा। एंड दिस इज़ अ एलिफेंट स्कल, जो नवाब थे अब्दुल घनी उनका जो फेवरेट एलिफेंट था वो ये था, इनका नाम था फिरोज जंग, इसका जो स्कल है ना वो रखा हुआ है। और इस वाले रूम में जो है सारे जो एंसेस्टर्स थे ना नवाब्स के, उनकी जो है फ़ोटो वगैरह लगी है, इस साइड भी और उस वाले साइड भी। एंड जो पुराने ज़माने के जो भी घर वर होते थे ना, पैलेसेस होते थे, उनकी हाइट देखिए कितना ज़्यादा होता था, आज के टाइम पे शायद मुंबई जैसे जगह पे दो फ्लोर्स बन जाए। तो ओवरऑल सब यही थे जो 19th सेंचुरी के सामान यूज़ किया जाता था नवाब्स के द्वारा, वही सब बस रखे हुए हैं, भले वो बेड बोलिए, भले वो सोफ़ा बोलिए, बट कई जगह जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो जितना हो सकता था मैंने उतना ही दिखाया। बाकी सामने जो है आपका शौदरघाट लॉन्च टर्मिनल है, इसलिए आप ये सामने रिवर देख रहे हैं, और ये जो रिवर है दैट इज़ द बूढ़ी गंगा रिवर। एनीवेज मामा नेक्स्ट कहाँ चलेंगे आप बताओ? नेक्स्ट लालबाग। लालबाग चलेंगे। बाय द वे ये मामा का नाम है शोभुज मामा, और ये जो है ये है मोसिम शमीम, सॉरी शमीम, नाम भी गलत बोल रहा हूँ, शमीम मामा। और ये स्पेशली आज कुमिल्ला से आए हैं। कुमिल्ला का क्या फेमस है बता दीजिए? कुमिल्ला रसमलाई विख्यात, विख्यात और किसी नहीं। नेक्स्ट किस पेट पूजा? नेक्स्ट जो है थोड़ा ना पेट पूजा के बारे, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया। साइड है हाँ। एनीवेज शौदरघाट लॉन्च टर्मिनल के सामने ही हमने तरबूज खाया, ठीक ठाक था। एंड अगर बात करें ओल्ड ढाका के कम्यूट की, तो पूरा जो है मतलब 90% समझ जाइए कि साइकिल रिक्शा पे ही चलता है, मतलब यहाँ पे और है नहीं।
बाकी जगह जो है CNG, फिर ओला बाइक वगैरह, उबर बाइक वगैरह, वो सब है। एंड यहाँ पे मुझे फील हुआ पर्सनली कि सिटी बसेस या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है ना बहुत कम है, इसलिए लोग ये सब प्रेफर करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ढाका में थोड़ा और इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि ना तो लोकल ट्रेन है ना ही मेट्रो पूरी तरह से चलता है, तो लोग डिपेंड होंगे रोड ट्रांसपोर्ट पे। और अभी हम जा रहे हैं नाजीरा बाज़ार, वहाँ बोल रहे थे कि कबाब वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छा है, तो वो ड्राई किए बिना तो मैं यहाँ से हिल नहीं रहा। और मौसम जो है आज बड़ा ही बेईमान है, 30 डिग्रीज हो रहे हैं, पर बारिश का जो है ना चांसेस पूरे पूरे है। एक्चुअली क्या है, जो कोस्टल रीजन है ना चिटागोंग, कॉक्स बाज़ार, वहाँ पर वार्निंग भी है कि तूफान आ सकता है, इसलिए जो है मेरी फ़्लाइट भी पिछले ब्लॉग में कैंसिल हो गई थी, वरना आज मैं डेफिनेटली राजशाही पहुँचा था और दो ब्लॉग आपको और दिखाता। और सब यहाँ पे दुकान वकान है, बिरयानी हाउस एक के बाद एक, कच्ची किंग, बहुत ही पुराना एरिया है, आप देख के जो है समझ पा रहे होंगे, और नाम ही ओल्ड ढाका है, पुरातन ढाका बोलते हैं बंगाली में। एनीवेज जो ढाका का या ओल्ड ढाका का जो मेन फेस है ना ज़्यादा लोगों के लिए भी यही की क्राउड ही है, काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब गंदा है ये एरिया, तो वैसा ही है। लेकिन मगर थोड़ी देर बाद मैं आपको जो दिखाऊंगा ना ढाका का जो एरिया, वो देख के आप चौंक ही जाएंगे। अच्छा जी, तो आ गए हैं यहाँ पे बिस्मिल्ला कबाब घर, घर मतलब तो समझ ही गए। एंड यहाँ पे आई थिंक पूरा रेडी नहीं हुआ है, कौन तो कटा खुलवे ठीक अच्छे एटा कबाब, तो 5 बजे खुलेगा। अभी क्या करें, थोड़ा सा तो ये एरिया आपको दिखाते हैं। आज ही बिरयानी दुकान पर दिखाई देते हैं। अच्छा चलो। अच्छा लास्ट टाइम के व्लॉग्स में जब मैं बिरयानी बिरयानी खा रहा था और बोल रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा, तब लोगों ने बोला था कि ओल्ड ढाका जाके हाजी बिरयानी का जो बिरयानी है वो ट्राई करिए। तो उस लेजेंडरी दुकान के सामने हम आ गए हैं। आप दुकान देख के, क्राउड देख के समझ रहे कि कितना पुराना है। कौन पुराना है मामा? 1939 मतलब नियर अबाउट नियरली 85 ईयर्स ओल्ड ये शॉप है। एंड अंदर छोटा सा स्पेस है मगर क्राउड बहुत ज़्यादा है। एंड एनीवेज बिरयानी खाने का तो मन नहीं था, लेकिन बस छोटा सा टेस्ट करने के लिए एक प्लेट हमने लिया, बस शेयर करके खा लेंगे। एंड पैकिंग देखिए, ये जो बंगाली में बोलते हैं काठाल पाता, इस पर पैक होता है, थोड़ा प्लास्टिक फ्री पैकेज है एंड ट्रेडिशनल पैकेज है। एंड बेसिकली ऐसा कुछ दिया है यहाँ पे, दो जो है इन्होंने गोंदोराज लेबू दिया है, तो इस तरह से दिया इन्होंने मटन बिरयानी। दिस इज़ 220 बांग्लादेशी टाका वाइट राइस है, बिल्कुल अनलाइक अस, हमारे मैक्सिमम जगह रेड राइस या येलो राइस रहता है। एंड जो मटन है ना वो बेसिकली स्मॉल स्मॉल पीसेज है, बट बहुत सारे हैं ना। वो मटन स्पर है एक्चुअली, क्या मटन में खाता नहीं इसलिए ज़्यादा ट्राई करना हुआ नहीं, बट राइस तो ट्राई कर लूँगा। थोड़ा सा जो अलग फ्लेवर है, मतलब इलायची वगैरह का जो स्वाद है वो ज़्यादा है, ना कि मसालों का। मैं कहूँगा कि डिसेंट है, बट इससे 100 गुना बेहतर जो है मुझे सुल्तान टाइम का बिरयानी लगा। कैमन लगते मामा, भालो ना, कैसा लगा? एवरेज अडा लाल एटा काश्मीरी झाल रेशमी अबे एटा कर दो एकटा। एंड यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं, ये है लाल रेशमी या स्पाइसी रेशमी, बेसिकली चिकन टिक्का समझ जाइए। एंड साथ में जो है रेशमी कबाब, इनके साथ जो चीज़ सर्व किया जाता है वो एक क्यूकम्बर और साथ में एक चटनी टाइप का। एंड साथ में जो यहाँ पे मैंने यूनिक चीज़ देखी कि यहाँ पे पूरी सर्व किया जाता है बंगाली में, जिसको लूची बोलते हैं। थोड़ा जो है पूरी के साथ ट्राई करके देखते हैं कैसा फीलिंग आता है। ठीक ठाक है, बट मुझे लगता है जो नान के साथ कबाब या ग्रिल्ड चिकन का फील है ना वो पूरी में तो नहीं है। और जो मामा है उन्होंने मेरे को कल स्टार कबाब का कबाब ट्राई कराया था, वो बहुत ज़बरदस्त था, मतलब ढाका में फ़िलहाल वो नंबर वन है। तो कुमिल्ला को क्रॉस करते हुए मैंने इतने सारे वीडियो बनाए, बताया कि वहाँ की रसमलाई कितनी फेमस है, वहाँ का जो मातृ भंडार है, स्वीट शॉप का नाम है। फाइनली जो मामा है वो लेके आए हमारे लिए कुमिल्ला की रसमलाई 1 kg बॉक्स डेटा। अभी जस्ट इसको ट्राई करेंगे और से। तो ये है भाई साहब कुमिल्ला की जो ओरिजिनल रसमलाई है ना, मोस्ट फेमस भाई। और ये है मातृ भंडार का, बहुत ही जो है फ्रेश है, बहुत ही सॉफ्ट है एंड टेस्ट तो एकदम ज़बरदस्त। यहाँ पे जो है सिर्फ 1 ही kg का बॉक्स आता है, ये है 300 VDT का, अराउंड आप मान लीजिए 250 INR होगा। तो अभी आ चुके हैं बिस्मिल्ला कबाब घर में, और यहाँ पे जो है ये चिकन ब्रेस्ट का चाप है। चाप मतलब बंगाली जो समझते हैं वो ये कि एक ग्रेवी टाइप की आइटम है जो कि अक्सर बिरयानी के साथ खाते हैं, मगर यहाँ पे चाप है, इट इज़ लाइक समथिंग लाइक फ्राइड चिकन और रोस्टेड चिकन के बीच में ना। मामा टेस्ट करो, बेसिकली मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है चिकन पकौड़ा जैसा ही है, बट है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त।
इसलिए बिस्मिल्लाह कबाब और इतना ज़्यादा फेमस है। और अक्सर हमारे इंडिया में जो कबाब वगैरह सर्व होता है वो होता है विद अनियंस एंड ग्रीन चटनी। यहाँ पे सिस्टम और है, यहाँ पे इन्होंने दिया है पेपेयर आम, इन्होंने दिया पपाया और आम की जो मतलब भरता टाइप का कुछ दिया है वो मिक्स करके चिली के साथ और टैमरिन चटनी के साथ ऐसा मिक्स करके दिया है। कैसा है? हेलो। और जो इसका प्राइस है ना दैट इज़ 145 बांग्लादेशी टाका। तो आई थिंक सो ना वैल्यू फॉर मनी तो है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे पान भी बहुत ज़्यादा फेमस है, लिस्ट में जो है बहुत सारे पान है, दिलकुश पान, बैचलर पान, शाही पान, फ्रूट पान, मीनाक्षी पान, चॉकलेट पान, स्ट्रॉबेरी पान, फायर पान। तो आज मामा ट्राई करें फायर पान और मैं लेने वाला हूँ बनारसी पान। सबको पता है कि बनारसी पान कितना ज़्यादा फेमस है, ठीक ठाक है। पान जो है टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट हाँ ठीक है। एंड एनीवेज आज रात को मैं निकलने वाला हूँ बोरीशाल के लिए। बोरीशाल से आके जो है मैं आपको एक ऐसी जगह का टूर कराऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है, मतलब आप जगह को देख के पहचान नहीं पाओगे। ढाका के गुलशन में जाएंगे, यही बोलना पड़ेगा कि आज का जो मौसम है ना वो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अभी हम जा रहे हैं ढाका यूनिवर्सिटी देखने, बहुत ही जो है प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, टॉप कॉलेजेस में से एक, वो देख के जो है आज के लिए ख़त्म करेंगे। एंड फिर इसी ब्लॉग में जो गुलशन का टूर करूँगा, मगर वो करूँगा मैं कल बोरीशाल से आके। आज रात को जो है बोरीशाल के लिए निकल रहा हूँ एक स्पेशल ब्लॉग बनाने, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इस साइड जो एक बहुत ही प्यारा सा सनसेट हो रहा है, अच्छा जी आज है दूसरा दिन और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं गुलशन और बोनानी। बोरीशाल से हम रिटर्न आ गए थे, जाते वक्त जर्नी बहुत ही बढ़िया रही थी, आते वक्त इतना मज़ा नहीं आया। मेरा होटल कोमलापुर में था एंड यहाँ से जो है अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आगे बोनानी गुलशन इस साइड जाने के लिए, तो मुझे लगा कि लोकल ट्रेन एक जा रही है 1:50 पे, उसमें मैं बैठ जाऊँ। 1:40 ऑलरेडी हो चुका है, दिखाता हूँ आपको यहाँ की लोकल ट्रेन कैसी होती है। अच्छा जी यहाँ पे टिकट कुछ इस तरह से है एंड ये जो ट्रेन है ना कम्यूटर ट्रेन, मतलब लोकल ट्रेन की प्राइवेट है सारी, लिखा हुआ है बेसरकारी ट्रेन टिकट काउंटर। ढाका जयदेवपुर कम्यूटर ट्रेन में 20 रुपये का एक टिकट है, मतलब आप जहाँ तक जाना है आप जाओ। हाँ जी तो यहाँ की जो ट्रेन है ना वो कुछ इस तरह से है लोकल ट्रेन, अब बस कई जगह देख के बैठते हैं। काउंटर से टिकट दे दिया, इस ट्रेन का ही टिकट कंफर्म किया मैंने, अब जाके पता लगता कि बोनानी रुकेगा ही नहीं, सीधा एयरपोर्ट जाएगा। बाय द वे ये जो कोचेस है ये 1971 ईयर के पहले से चल रहे थे, मतलब तब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सेम कंट्री थे, तो ये जो रेक है ना ये पाकिस्तान रेलवेज का है, काफ़ी पुराने कोचेज है मगर पता नहीं अब भी क्यों चला रखा है, मतलब लगभग ये कम से कम 70 साल पुराना कोच होगा। तो जी शाम के 4 बज रहे हैं और हम निकल पड़े घूमने, मैंने जस्ट अपना सूटकेस मामा के घर में रख दिया है। डेफिनेटली बोलूँगा कि अगर सोबुज मामा नहीं होते ना तो मैं ट्रेन में बैठता, बस में बैठता और वापस इंडिया चले जाता, कभी घूम नहीं पाता ढाका। गाइज वेलकम टू मॉडर्न ढाका, वेलकम टू गुलशन। यहाँ पे देखिए जो बसेज है, जो मुझे कमी लग रही थी ढाका वाले साइड एसी बसेज की, सिटी बसेज की, वो यहाँ पे है। फिर यहाँ पे जो एरिया है ना, मतलब इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन है कि लग ही नहीं रहा, मतलब एकदम बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है। बाकी आप देख सकते हैं रोड्स यहाँ पे सारे जो है 6 लेन है, फिर फुटपाथ वगैरह बना हुआ है चलने के लिए। तो अभी जो एक छोटा सा हम वाटर टैक्सी का राइड करेंगे उसके लिए हम जा रहे हैं, वो भी काफ़ी मज़ेदार है। बेसिकली ऐसा है कि यहाँ से अगर आपको कोने में या कहीं और जाना है ना तो गाड़ी से जो है आपको घूम के जाना पड़ेगा, तो ये वाटर टैक्सी अवेलेबल है जो कि आपको काफ़ी कम समय में और कम प्राइस पर आपको पहुँचा देगा। तो कुछ इस तरह से सब टैक्सीज चलती है, बेसिकली सब बोट्स है, हम जो है फिलहाल उस कोने में जाने वाले हैं। एनीवेज जी आवर राइड इज़ हियर। झील इसलिए क्योंकि जब नवाबों की डायनेस्टी थी तब जो उनके हाथी वगैरह थे ना सब इसी झील में रहते थे, तब ये मतलब बेसिकली नेचुरल पॉन्ड था। और मीनवाइल हमारे केरला में भी ऐसा ही वाटर बस या वाटर मेट्रो चालू हुआ है रिसेंटली, तो इस चीज का कॉन्सेप्ट कैसा लगता है वो मुझे जरूर बताना।
हालांकि ये सिर्फ वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे वाटर बॉडीज है। और ये जो है एक पॉश एरिया है, ये तो देख के पता चलता है। यहाँ पे जो बड़े बड़े बैंक्स है ना, जो बड़े बड़े ऑफिस है ना, सारे यहीं पे है। एंड आप देख ही सकते हैं स्ट्रक्चर से। एंड जो सबसे बढ़िया बात मेरे को यहाँ पे लगी हुई है कि रोड एकदम क्लीन है, फुटपाथ बना हुआ है अलग से। एंड ट्रैफिक वाफिक भी कंपेयर करें तो कम ही है, मतलब रिक्शा वगैरह कम है। ये अच्छा लग रहा है ये एरिया। प्लस यहाँ के जो ऑफिसेज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ये वैसे एप्पल स्टोर है गाइस। यहाँ पे एक जनरल स्टोर मिला, बस कुछ पैसे बचे तो इंडिया के लिए कुछ चीज़ें तो लेके ही जा रहा हूँ, क्योंकि घर पे भी बाहर से आता है बंदा तो कुछ लेके आना पड़ता है उसको। बारामुंडी रिलीज कौन था जो सुपरमार्केट था वहाँ से कुछ नमकीन वगैरह, कुछ मतलब ऐसे आइटम जो मिलते नहीं है वो मैंने ले लिया। मैगी के जो सूप के पैकेट है वो मैंने लिया कुछ, फिर नमकीन के पैकेट बहुत सारे लिए, कुछ कजिन्स के लिए, कुछ नेबर्स के लिए, मतलब ले लिया। अब जाके देखना पड़ेगा कि कैसा है। मामा लोग जो बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया एंड फेमस है, इसलिए लिए मैंने। बाकी कुछ 600-700 बांग्लादेशी टाका का बिल आया, तो कम से कम बाहर जब जा रहे हो इंटरनेशनल इतना शॉपिंग करके तो रिटर्न घर पर आना ही चाहिए। एनीवेज अब हम चल रहे हैं बोनानी की तरफ, वो एरिया घुमा के इस वाले ब्लॉक को ख़त्म करते हैं। बस अब लास्ट पॉइंट ये है बोनानी 11। बर्गर किंग जब है मामा फ्रेंच फ्राई कहते हैं, तो बस खाना पीना कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था, तो एक बस बर्गर किंग में जाएंगे, कुछ फ्रेंच फ्राई वगैरह खाएंगे। एंड शाम के 7 बजे मुझे अपनी ट्रेन के लिए निकलना है। बाकी कुछ नहीं, ये जो दो एरियाज़ हैं ना मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, जो घर भर है, जो एरियाज है काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। बाकी ट्रेन पकड़नी है तो फटाफट जो है खाना वाना करते हैं और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा एनीवेज बर्गर किंग के प्राइसेस का आइडिया देता हूँ। यहाँ पे लार्ज प्राइस है 200 बांग्लादेशी टाका का, तो इंडियन मान लीजिए 160 होगा, जो कि हमारे यूजुअल 140 इंडियन रुपीस का मिलता है। बाकी एरिया सीटिंग एरिया देखिए, यहाँ पे अच्छा सोफा वगैरह लग रखा है। वो है इस एरिया के डॉन सर पे जो है वो भी है, राजा वाली वो भी है। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा लगा ओल्ड ढाका एक्सप्लोर करके और ये वाला एक्सप्लोर करके। और अगर मामा नहीं होते तो प्रोबेबली पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि मैं घूमता भी नहीं। बट ठीक है, अच्छा लगता है जब आप लोकल जगह जाते हो, लोकल चीज़ें समझते हो और बाकी कुछ जगह एक्सप्लोर करते हो। वरना आपको पता है मेरे चैनल पर तो ट्रैवल और ट्रैवल ही होता है। फ्राइज और चिकन टेंडर्स ऑर्डर किए, जस्ट कुछ छोटा मोटा खाना था हमको, दैट इज़ समथिंग अराउंड 400 टाका। एंड बस ये खाना पीना करेंगे फिर मैं निकल पड़ूंगा वापस इंडिया के लिए। तो ये है जी चिकन टेंडर्स, साथ में एक स्पाइसी सॉस दिया है इन्होंने, नॉर्मल केचप भी है जैसा कुछ ही है, मगर प्रेजेंटेशन वगैरह तो मतलब एकदम धजिया उड़ा दिया इन्होंने। बाकी फ्रेंच फ्राइज है एंड चिकन टेंडर्स। टेस्ट भी ऑनेस्टली मुझे बढ़िया नहीं लगे, एकदम एवरी नॉर्मल सा है। मतलब प्राइस जो है ठीक है, मगर वो जो क्रिस्पीनेस आता है ना वो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लफी हो गया। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जिसमें हम एक बहुत ही थ्रिलिंग राइड करेंगे फ्रॉम ढाका टू बोरिशाल इन ह्यूंडई। 140 तक की स्पीड हम उस जर्नी में जो है अचीव करेंगे। तो मिलते हैं उस वाले ब्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी आए हर साथ, हर मंगल शुक्र आपके साथ।